देखिए दोस्तों, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी के पदों के लिए आवेदन किया है और आप एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं, तो फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट जारी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हो, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2020 पोस्टपोन किया। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम पोस्टपोन हो चुकी है और लेटेस्ट अपडेट जारी हुई है। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की तरफ से आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम अक्टूबर 2019 तक आयोजित किया जाना था, लेकिन बोर्ड द्वारा अभी तक एग्जाम नहीं आयोजित किया जा सका है। और आरआरबी की परीक्षा सेल में काम करने वाले एक अधिस्त सूत्र की माने तो ग्रुप डी एग्जाम अब जून 2020 तक आयोजित किया जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जून 2020 तक आरआरसी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम आयोजित कराई जाएगी। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह है कि वो विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर समय समय पर चेक करते रहे, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना न छूटने पाए। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आरआरबी ग्रुप डी के 1,00,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 2019 में मांगे गए थे, जबकि ऑनलाइन आवेदन अप्रैल 2019 तक भरे गए थे, लेकिन एक वर्ष बाद भी एग्जाम नहीं आयोजित किया जा सका है। आरआरबी ग्रुप डी के 1,00,000 पदों पर भर्तियों के लिए लगभग 1,15,00,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और करोड़ों अभ्यर्थी एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की अपडेट का इंतजार कर रहे थे। फाइनली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा जानकारी दी गई कि आरआरसी रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम जून 2020 तक पोस्टपोन कराई गई है। जी हां दोस्तों, इससे पहले कि आपको बता दें, ग्रुप डी के लगभग 1,500,000 से ज्यादा आवेदन को भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड ने फोटो और गलत हस्ताक्षर में त्रुटियां बताकर रिजेक्ट कर दिया गया था, और जिसके बाद छात्रों ने रेलवे मुख्यालय का घेराव किया। उसके बाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने रिजेक्ट फॉर्मों का दोबारा स्टेटस जारी किया। या दोस्तों, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का रिवाइज एप्लीकेशन स्टेटस नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप देख सकते हो। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ग्रुप डी के पदों पर अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम, फिजिकल एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद किया जाएगा। और 200 चयन प्रक्रिया से जुड़ी अधिक जानकारी अभ्यर्थी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। जी हां दोस्तों, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप स्टेटस चेक कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक डाउनलोड नहीं किए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इस बुक में आपको पिछले वर्षों में जितने भी सवाल पूछे गए थे उनके सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे।